अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ये वाली वीडियो सिखाऊंगा जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है। ये वीडियो चाइनीज़ वीडियो एडिटिंग है जो चाइना में लोग करते हैं। ये ना पाकिस्तान में ना इंडिया में किसी को पता है, तो मैंने इसका तरीका जो है वो निकाल लिया है। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये वीडियो मैंने काइन मास्टर और कैपकट के अंदर बनाई है। तो सबसे पहले जो है ना वो काइन मास्टर को ओपन करते हैं। हमारा पहला काम जो है वो काइन मास्टर के अंदर है। तो आपने कुछ इस तरह की वीडियो शूट करनी है, पहले आप वीडियो देख लें। यह हमारे वीडियो का पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट जो है ना वो यहाँ पर स्टार्ट होता है। ये बस सिर्फ डबल रोल करने के लिए। इस तरह से वीडियो का जो मेन तरीका है ना, वो जो दरख्त अंदर की तरफ चला जाता है वो है ना, वो मैं आप लोगों को यहाँ पर सिखा देता हूँ। जैसे ही आप दरख्त पर हाथ रख रहे हो ना, दरख्त पर सिंपल आपने यहाँ पर एक कैप्चर ले लेनी है। कैप्चर एंड सेव करके ना इसको आपने कैप्चर ले लेनी है। उसके बाद आपने यहाँ से बैक हो जाना है। बैक होने के बाद आपने दोबारा से यहाँ पर एक न्यू प्रोजेक्ट पर आना है। यहाँ पर बैकग्राउंड ले लेना है। बैकग्राउंड का जो कलर है ना वो आपने यहाँ पर कर देना है रेड। रेड इसलिए क्योंकि वहाँ पर जो है ना पहले से कलर मौजूद है। ब्लू भी है और ग्रीन भी है, दोनों कलर वहाँ पर पहले से मौजूद है। हम उसको रिमूव फिर नहीं कर सकते। तो सिंपल हमने जो पिक्चर यहाँ पर अभी ली थी ना, उस पिक्चर को हमने यहाँ पर ऐड कर देना है। तो ये रही हमारी पिक्चर। इसको हम कर देंगे कुछ इस तरह से, एक साइड से ना। ये हमारा हो गया यहाँ पर। हम इसको कर देंगे फुल स्क्रीन इस तरह से। फुल स्क्रीन करने के बाद अब जो काम करेंगे हम वो यहाँ पर है कि हमने इफ़ेक्ट में आना है। आपने इस ये जो गेट मोर का ऑप्शन है ना, आपने काइन मास्टर के स्टोर में चले जाना है। वहाँ से ये इफ़ेक्ट डाउनलोड कर लेना है। पिंच बल्ज आपने ये डाउनलोड कर लेना है। इस पर क्लिक करूँगा मैं। यहाँ पर बल्ज जो है ना, आपने बल्ज को सेलेक्ट कर लेना है। अब उसको कुछ सेटिंग है वो यहाँ से कर लेते हैं। इसकी जो स्ट्रेंथ है वो हमने 7 पर कर देनी है। 7 पर करने के बाद इसको जो है ना काम कुछ इस तरह से करेंगे। पहले यहाँ पर हम इसको मैच कर देंगे इस तरह से कौन सी जगह पर फिट आता है। तो ये सही है, ये जगह फिट है। सही है, हम इस तरह से यहाँ पर करेंगे। इसको हम भी इस हिसाब से बड़ा कर देंगे। हम अब क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक प्लस का निशान देंगे और इसको जो है ना हम इस तरह से ऊपर की यहाँ पर बाहर है ना, इसको बाहर करेंगे थोड़ा सा आगे जाके ना इस तरह से। यहाँ पर हम इसको प्लस का निशान देंगे और इसको जो है ना हम यहाँ से इसको यहाँ से इस तरह से अंदर की तरफ ले जाएंगे इस तरह से। सही, तो अभी आप चेक करिए कुछ इस तरह से लगेगा। यह चेक करिए, ये कुछ इस तरह से लगेगा। अब यहाँ पर एक प्लस का निशान होगा, थोड़ा सा आगे जाएंगे, यहाँ पर एक दोबारा से प्लस देंगे और एक प्लस आगे जाके देंगे और उसको हम कर देंगे वापस। तो यह कुछ इस तरह से लगेगा। अभी आप पूरी वीडियो को चेक करें, यह हो गया। अभी ये वापस बंद हो गया। तो यह कुछ इस तरह से लग जाएगा। अभी हमने करना है इसको सेव। इसको हम हाई कर देते हैं ताकि दूसरी वीडियो के साथ सही मैच हो जाए। तो ये हमारे पास सेव हो गया। दोबारा से हम पुरानी वीडियो पर जाएंगे। ये रही हमारी वीडियो। हम इस वीडियो पर दोबारा से आ गए और उसी जगह पर आएंगे जहाँ पर हम ऊपर हाथ रख रहे हैं यहाँ पर। और इस वीडियो को जो हमने सेव किए है वो वीडियो यहाँ पर ऐड कर देंगे और उसको फुल स्क्रीन कर देंगे। और उसके जो बैकग्राउंड है ना वो यहाँ से चौरमा की पर क्लिक करके जो रेड वाला है ना वो यहाँ से हटा देंगे। तो ये हमारा हट गया। ये देखिए कुछ इस तरह से लगेगा। अब ये जैसे मैं ऊपर छलांग लगाता हूँ ना यहाँ पर, ये इस वाली जगह पर यहाँ पर आपने यहाँ पर एक पिक्चर लेनी है और पिक्चर जो है उसको पिक आर्ट एप्लीकेशन के अंदर जाकर उसको जो बैकग्राउंड है ना वो रिमूव करके उसको PNG बना लेनी है। तो मैंने यहाँ पर पहले से बना रखी है, मैं वो यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। ये रहा है हमारा फोल्डर, पिक आर्ट का फोल्डर ये, और ये PNG मैंने पहले से बना रखी है। इसको हमने यहाँ पर इस तरह से फिट कर देंगे स्क्रीन के ऊपर और इसके साथ मैच करेंगे कि कौन सी जगह पर फिट होता है। यहाँ पर ये रहा, यहाँ पर फिट हो गया। और इसका जो है ना ये वाला साइड हम कर देंगे रिमूव
और ये मेन वीडियो पर क्लिक करेंगे ना यहाँ पर, और जो हमारा बैकग्राउंड वाली जगह है ना यहाँ पर, ये यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसको जो है ना हम ट्रिम ऑफ टू प्ले हेड कर देंगे इस तरह से, हमारे पास सिर्फ बैकग्राउंड बच जाएगा। अभी जो हम हमारे पास PNG, इस पर क्लिक करेंगे, प्लस का निशान देंगे, थोड़ा सा आगे जाके ना इस तरह से, अभी नहीं थोड़ा सा इस तरह यहाँ पर, थोड़ा यहाँ पर एक प्लस का निशान देंगे इस तरह से, छोटा करके ना इसके इसको अंदर की तरफ ले जाएंगे इस तरह से, और तीन डॉट पर क्लिक करेंगे, सेंड टू बैक कर देंगे। तो ये कुछ इस तरह से लगेगा, अभी आप चेक करें इस तरह से, ये भी हो गया हमारा। अगर आपने ये नहीं कर सकते ना, तो सिंपल आपने यहाँ पर ये वाला भी कर सकते हैं, यहाँ पर ये इस तरह से आप ये भी लगा सकते हो। ये देखिए, अभी मैं आप लोगों को चेक करा देता हूँ, यहाँ से नहीं, यहाँ से आप ये भी लगा सकते हो, तो ये थोड़ा सिंपल बन जाता है। तो ये देखिए इसके अंदर चला गया। अभी जो उसका बैकग्राउंड जो है ना, उस वीडियो के में जो है ना, वो बैकग्राउंड भी साथ में रिमूव हो जाता है। तो उसके लिए सिंपल आपने कोई भी वीडियो डाउनलोड कर लेनी है कहीं से भी। तो मैंने टिकटॉक से एक नेचर वाली वीडियो डाउनलोड की है, ये वाली, इसका मैं यहाँ से बैकग्राउंड जो है ना वो साउंड ऑफ कर देता हूँ, और इसको भी आपने सिंपल यहाँ पर क्लिक करके इस तरह से कर देना है। यहाँ पर मैं इसको रख देता हूँ, इसको भी सेंड टू बैक कर देता हूँ, अपने दो तीन बार इस तरह से बैक कर देना है। तो इस तरह से वीडियो बैकग्राउंड में चली जाएगी, तो यह कुछ इस तरह से लगेगी। अभी आप चेक करें, मैं इसको थोड़ा फिट कर देता हूँ, इस तरह से लगेगी। ये देखिए इसके अंदर चला गया। तो ये हमारी वीडियो जो है ना वो यहाँ पर ख़त्म हो गई। अब हमने इस वीडियो को भी थोड़ा कम कर देना है यहाँ पर, और इसके जो है ना इसके ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर ये जो आउट एनिमेशन है यहाँ पर क्लिक करेंगे, और फेड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। सही है, तो ये हमारे एक वीडियो का जो पार्ट है ना वो कंप्लीट हो गया। हम इसको यहाँ पर कर देंगे सेव। सेव करने के बाद हम जाएंगे कैपकट एप्लीकेशन के अंदर। तो दोस्तों, हमारी वीडियो सेव हो गई, हम कैपकट में इसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पर मैं न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करूँगा, वीडियो को यहाँ पर ऐड कर दूँगा जो मैंने अभी सेव की है वहाँ पर। ये रही हमारी वीडियो, इसको मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। ऐड होने के बाद ये हमारी वीडियो आ गई यहाँ पर। अभी आप वीडियो चेक करें, ये वीडियो है यहाँ पर, इसके अंदर चला गया। अभी हमने सिंपल क्या करना है, ये जो ये दूसरा जो ये वाला पार्ट है ना, इसको हमने क्या करना है कि इसको हमने यहाँ पर करना है, यहाँ पर वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर सप्लिट के निशान पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद इसको हमने कर देना है ओवरले। इसको हमने ओवरले कर देना है। ओवरले करने के बाद हम इसको यहाँ पर लाएंगे, यहाँ पर कुछ इस तरह से यहाँ पर लाएंगे, और यहाँ पर मास्क के ऑप्शन में आएंगे, मास्क में, मास्क पर आएंगे, सप्लिट पर क्लिक करेंगे, और इस तरह से यहाँ पर सप्लिट पर क्लिक करेंगे इस तरह से, और इसको इस तरह से रोटेट करके ना कुछ इस तरह से लगा देंगे। ये देखिए, और यहाँ पर जो है ना, बस ये जैसे अंदर जाता है ना, आपने यहाँ पर क्लिक करना है, प्लस का निशान देना है, मास्क में मास्क के ऑप्शन पे आपने वापस आ जाना है, और थोड़ा सा आगे करके ना इसको इस तरह से कर देना है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त वीडियो बन गई। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।